व्हाट्सअप गाइज, आई एम निखिल शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिटनेस फ्रीक निखिल, जहाँ पे मेरा आज का पहला ब्लॉग है, जहाँ पे हमारी ट्रिप जा रही है स्कूल से, तो मैं भी जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग कर लिया जाए और मैं आपको पल पल की अपडेट देता रहूँगा। आज के ब्लॉग में दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने दोस्त के पास, जो कि हमारे स्कूल का फ्रेंड है, क्लासमेट है। तो ये देख लो, ये आ गया, यहाँ पे मेरे पीछे चल रहा है। तो अब सीधे यहाँ पे ऑटो वगैरह आने वाले हैं और बाकी दोस्त भी यहाँ पे मिलेंगे मेरे को, तो देखते हैं, शायद ऑटो आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो मिलते हैं सीधे आपको अपने बाकी दोस्तों के पास और ऑटो के पास। हमारा भाई आ चुका है एक और नए ब्लॉग के साथ यहाँ पे। ये देखो हमारे सुमित भाई आ चुके हैं, इनका भी यूट्यूब चैनल है डोगरी सुमित एक्सप्लोरर। सब्सक्राइब करें इनके भी यूट्यूब चैनल को, और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। तो देख सकते हैं सारे दोस्त वगैरह आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पे इंतजार हो रहा है सिर्फ अपने मतलब की डेस्टिनेशन पे जाने का। ऑटो आ रहा है हमारा, यहाँ पे हमारे ऋषभ शर्मा भी आ चुके हैं, हमारे ऋषभ पंत, यहाँ पे ऑटो भी आ चुका है, देख सकते हैं आप पीछे ऑटो आ चुका है। सो भाई लोग, यहाँ पे हमारी पूरी पैकिंग वगैरह हो गई है, मैं आगे आ चुका हूँ एक ऑटो का शॉट वगैरह लेने के लिए। तो बाकी पीछे जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने अपने बैग वगैरह रख दिए और पीछे ऑटो आने वाला है, अब बस उसके एक दो शॉट्स लूँगा और सीधे आपको मिलूँगा। यहाँ पे हम जा रहे हैं चौकी चौरा स्कूल, वहाँ से हम बसेस में बैठेंगे और फिर सीधे हम रुकेंगे सुंदरबनी जाके। तो हमारी डेस्टिनेशन स्टार्ट ही हो गई है, यहाँ से निकलने वाले हैं, बस मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पीछे कैसा व्यू है, यहाँ पे मैं एक दो शॉट लूँगा, वहाँ से सीधे हम मिलेंगे आपको चौकी चौरा स्कूल में, और वहाँ से बसेस में बैठेंगे और सीधे मिलेंगे आपको जहाँ पे हमारा मेन पॉइंट है, जहाँ फिर वहाँ पे एक दो दिन रहेंगे। आपको पूरा ब्लॉग मैं एडिट करके शायद एक दो दिन लेट डले, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं पहली बार फुल ब्लॉग एडिट करने वाला हूँ। तो फ़िलहाल के लिए चलते हैं, हम मिलेंगे आपको अगली डेस्टिनेशन। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग हाजिर हैं आपके सामने। तो यहाँ पर आ गए हैं निखिल भाई, ऋषभ भाई, धीरज, और यहाँ पर अजय भाई भी आ गए हैं। Bye.
हमारा भाई आ चुका है अभी यहाँ पे चौकी चौरा रोड पर, यहाँ पे हम उतरे हैं। थोड़ा आप देखते हैं क्योंकि ये ऑटो स्पेशल किया है तो हम जहाँ मर्जी चाहें चक्कर वगैरह लगा सकते हैं। हम अभी पहुँचने वाले चौकी चौरा स्कूल में, तो हम ही थोड़ी देर पैदल चले, यहाँ पे ब्रेक लिए, थोड़ी पानी वगैरह पी लें लड़के लुड़के। वो पीछे मैं आ गया हूँ, चलते चलते सोचा कुछ शूट कर लिया जाए। तो भाई लोग बताइएगा ज़रूर आपको सनरूफ वाला व्यू कैसा लगा, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है वो शूट, तो बड़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, मतलब उसमें मतलब बता नहीं सकता मैं, मतलब इतनी मुश्किल से मैंने वहाँ पे फ़ोन पकड़ा था और लेंस भी लगाई थी वाइड एंगल में बनाया वो। तो यहाँ पे मेरे साथ कौन है, ये कन्हैया जा रहा आगे धीरज। काफ़ी अच्छा व्यू है भाई लोग इस इलाके में। सो मिलते हैं आपको सीधे अब चौकी चौरा स्कूल में, सो लेट्स गो। हम आ चुके हैं यहाँ पे चौकी चौरा स्कूल में, पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम अपनी डेस्टिनेशन शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने आधा सफ़र अपना तय कर लिया है। यहाँ पे सुमित भाई मेरे साथ ही हैं और मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे मेरे पीछे बच्चे हैं, यहाँ पे शायद टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनी बस आ चुकी है और इसी से हम जाने वाले हैं अपनी कहाँ पे, हाँ सुंदरबनी जाने वाले हैं। तो सामान वगैरह रख दिया हम सब ने, सो अब निकले वाले हैं कम से कम 5-6 मिनट में। सो मिलते हैं आपको फ्रेंड्स। हमारा ड्रेसअप भी चेंज हो चुका है, हमें यहाँ पे जर्सी मिल चुकी है, नहीं न्यू जर्सी, यहाँ पे सभी फ्रेंड्स डाल चुके हैं। और यहाँ पर हम अतीश सर को काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे, वो इस बार हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। आऊँगा मैं थोड़ी देर के चक्कर लगाने के लिए बीच में। अतीश सर तो बिल्कुल ही आएंगे। यहाँ पर हमारे विकास सर, वो भी इस बार नहीं जाएंगे, वो भी आपके सामने है बस जस्ट। हम सबका ड्रेसअप चेंज हो चुका है, बस स्टार्टिंग है, बस अभी हम कुछ देर में निकलने वाले हैं यहाँ से। व्हाट्सअप गाइज, हम आ चुके हैं यहाँ पर सुंदरबनी से, काफ़ी शायद 5-6 किलोमीटर दूर है भाई, यहाँ पे 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे हम यहाँ पे ठहरे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तो पहले वहाँ का गेट है भाई, ये तो मल्ला विलेज है शायद, आई थॉट ये कोई मल्ला नाम की जगह है। सुंदरबनी से काफ़ी 7-8 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे भाई लोग व्यू कुछ काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा है। आप पीछे देख सकते हैं, मेरे दोस्त हैं कुछ, और अब मैं आपको दिखाऊंगा सीधे आपको। हम यहाँ पे ठहरे हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे लड़के आए हुए हैं, यहाँ पे शायद 50 के अराउंड होंगे। ये हमारे निखिल भाई अंदर चले गए हैं अपने रूम में। तो आप देख सकते हैं भाई लोग, यहाँ पे हम मतलब ठहरे हैं, ये सारे बिछे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे कुछ 50 के अराउंड बेड, मतलब देख सकते हैं आप कितनी बेडशीट्स और कितने गद्दे यहाँ पर रख दिए गए हैं। सभी लड़के यहाँ पे आ गए हैं, 50 के अराउंड होंगे आई थॉट। और यहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं और फिर उसके बाद हम ट्रैकिंग पे जाएंगे, आपको पल पल की अपडेट देता रहूँगा। सो व्हाट्सअप गाइज, हम आ चुके हैं यहाँ पे, बिल्कुल ड्रेसअप वगैरह कर लिया है और खाना खा लिया हमने। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे क्रिकेट मैच खेलना है भाई हमने। हाँ नहीं, ऑफ है, ऑफ है भाई। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हो सारे बंदे हैं मेरे पीछे, और
जा रहे हैं हम, तो मिलते हैं आपको सीधे ग्राउंड में जहाँ पर भी है ग्राउंड वगैरह होगी। यहाँ पर ग्राउंड वगैरह तो है नहीं अच्छी, मीन्स की बाड़ियाँ हैं ये आप देख सकते हो मेरे पीछे, वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, यहाँ पे ही हम खेलने वाले हैं और एक दो शॉट ले लेंगे क्रिकेट वगैरह का। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की ग्राउंड है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी बच्चे खड़े हुए हैं। मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। गाइस यहाँ पे बिल्कुल सेटअप हो गया, टीम्स वगैरह बन गई हैं अलग अलग स्कूल के, अलग अलग टीम्स हैं यहाँ पे। आई थॉट दो तीन स्कूल आए हैं, यही ग्राउंड है, यहाँ पे हम खेलने वाले हैं। और ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, ये देख लो। तो मैं अभी खेलने जा रहा हूँ, तो मिलते हैं आपको खेल के फिर। सो हेलो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं मैच हो गया स्टार्ट। ये हमारे धीरज शर्मा यहाँ पे चढ़ चुके हैं। कौन बैटिंग कौन कर रहा है भाई? धीरज भाई कर रहे हैं बैटिंग। धीरज भाई यहाँ पे शायद बॉल पकड़ने हैं, नीचे सचिन भाई है। फील्डिंग वगैरह सेट वगैरह कर रहे हैं। ये देखो, जानते हैं इनको सब। प्रिंस यार क्या बात करते हो, मतलब आप प्रिंस भाई हमारे यहाँ पे। प्रिंस भाई से हेलो टू माई यूट्यूब फैमिली। सो गाइज आप देख सकते हैं मैच हो गया स्टार्ट, सो अब आपको मिलेंगे सीधे मैच खेल के। सो लेट्स गो। और फिर से वाइड बॉल का इशारा एम्पायर प्रिंस शर्मा के द्वारा, फिर से वाइड बॉल। सो गाइज यहाँ पे हम आ चुके हैं मैच वगैरह खेल के, जा रहे हैं थोड़ी सी लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करने, क्योंकि टीचरों ने बोला है रात को ठंड बड़ी होती है, सो लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करेंगे और रात को। सो गुड मॉर्निंग गाइज, मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जहाँ पे मतलब कि हम वही ब्लॉग है हमारा, बट डे है सेकंड और ट्रैकिंग का डे है हमारा फर्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी 50 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं। सुमित शर्मा भी यहाँ पे पीछे हैं और हम इस वक्त ये पहाड़ियाँ वगैरह चढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस टाइप का रास्ता यहाँ पर पगडंडी का। गाइज़ आप देख सकते हैं हम यहाँ पे चल रहे हैं और यहाँ पे रोड वगैरह आ गया, गांव वगैरह तो नहीं हो यहाँ पे, शायद ऊपर होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरी लाइन लगी हुई है हमारे पीछे और यहाँ पे जंगल है काफ़ी, चीड़ वगैरह के पेड़ है। यहाँ पे मूसे वाला छाया है भाई, मूसे वाला सब। गाइज़ यहाँ पे हो रहा है फ़ोटोशूट, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम रुक चुके हैं। ये देख लो भाई लोग कितने बच्चे हैं सारे यहाँ पे फोटोशूट करवाने को रुके हैं, तो मिलते हैं आपको फोटोशूट करवा के। ऐसे यहाँ पे फोटोशूट हो गया और हम निकलने वाले हैं, सारे बच्चे उठ गए हैं, तो चलिए आपको सीधे मिलते हैं अब जहाँ पे हमने पहुँचना है, वहाँ पे देखेंगे पूरा एडवेंचर करेंगे रास्ते में जाते जाते। तो ये देख लो सारे बच्चे निकल रहे हैं भाई लोग। सो गाइस यहाँ पे फिर से हमारी चढ़ाई शुरू होगी, पहले रोड में से जा रहे थे और अब फिर से चढ़ाई वगैरह आ चुकी है और हम बिल्कुल आगे चल रहे हैं। तो पे मेरे आगे सुमित भाई हैं और बाकी सारे पीछे हैं, काफ़ी चढ़ाई आ चुकी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं पीछे कुछ इस टाइप का मौसम है यहाँ पर भाई लोग। ये देख लो यहाँ पे बोलने भी नहीं हो रहा भाई लोग, इतनी सांस फूल रही है और पीछे दौड़ के आ रहे हैं कई बंदे भाई। मैं अभी फ़िलहाल तो सबसे आगे हूँ और ये ऋषभ भाई की डिमांड पर सबको दिखाएंगे हम। और फिर से रोड आ गया, फिर से आपको हम मिलेंगे जब आगे चढ़ाई शुरू होगी। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। गाइस हमारा भाई आ चुका है यहाँ पे अपनी, यहाँ पे आज का हमारा टूर यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे कोई मंदिर वगैरह है किसी के घर के पास, आप पीछे देख सकते हैं भाई लोग कितना बड़ा मंदिर है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अंदर से भी बाहर से भी, अगर यहाँ पे कैमरा अलाउड होगा तो। तो भाई लोग यहाँ पे कुत्ता भी है, मैं पहले बार बार कुत्ते से बचाऊँ तो आपको दिखाता हूँ मंदिर भी, बिल्कुल पूरा एक शॉट लेके मंदिर का डाल दूँगा। गाइस हम पहुँच गए यहाँ पे मंदिर में,
तो ये मेरे पीछे आपको मंदिर दिख रहा है, सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, दरी वगैरह डाल दी है और पीछे जंगल का इलाका है यहाँ पे, और बट मंदिर भाई लोग बड़ा ज़्यादा सही है। ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पीछे मंदिर दिख रहा है आपको। ओके तो भाई लोग आपको दिखाते हैं अब सीधे मंदिर, तो लेट्स गो। सब गाइज हम निकल चुके हैं यहाँ से मंदिर से, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा कैमरा वगैरह अलाउड नहीं था, तो अंदर ज़्यादा वीडियो शूट मैं कर नहीं पाया हूँ। और अब आपको सीधे हम मिलेंगे जहाँ पे हम ठहरे हैं। तो भाई लोग चलिए, क्योंकि मैं रास्ते में बना सकता था ब्लॉग वगैरह अभी जाते वक्त, बट थोड़ा स्पेस का ही प्रॉब्लम आ गई है, तो वहाँ जाके अब कुछ लीड वगैरह करना पड़ेगा, तो फिर देखते हैं। सब गाइज आज हमारा थर्ड डे है और ट्रैकिंग का सेकंड, तो हम जा रहे हैं किसी देवस्थल पे, नाम तो मेरे को अच्छे से पता नहीं है, बट भाई लोग यहाँ का व्यू इतना ज़बर है कि क्या बताऊँ आपको। हम सारे आगे आ चुके हैं, अराउंड 40 के स्टूडेंट पीछे होंगे, बाकी सब आगे हैं, क्योंकि मैं शूट वगैरह करना था। यहाँ पे धीरज मेरे पीछे, यहाँ पे भाई बोलने में नहीं हो रहा है, इतनी सांस फूल गई है, पहाड़ी सी है वो चढ़ने, अभी तो फ़िलहाल रोड आया है, और पीछे इतने मस्त मतलब व्यूज़ है यहाँ पे। मेरे को सिर्फ एक चीज़ मिस कर रहा हूँ कि मेरे पास ड्रोन होना चाहिए भाई लोग। तो अब आपको दिखाएंगे सीधे हम यहाँ के कुछ नेचर व्यूज़, तो चलिए लेट्स गो। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की पहाड़ियाँ यहाँ पे, मेरे को तो स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा है बिकॉज सनलाइट बहुत ज़्यादा है, बाकी आपको ड्रोन करके दिखाएंगे पूरा ध्यान से देखिए तरीके, मैं सोच नहीं सकता मतलब इतना अच्छा व्यू है यहाँ पे। और अब हम ये सामने वाली पहाड़ी से चढ़ेंगे, तो लेट्स गो, मेरा पार्टनर मेरे को बुला रहा है। व्हाट्सअप गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे ठहरे हैं, यहाँ पे आपको शायद कुछ व्यूज वगैरह ले रहे हैं, तो शायद आपको दिख रहे होंगे कुछ इस टाइप की पहाड़ी है यहाँ पे, मेरे को अभी भी स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा है, बाकी व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। दूर दूर तक इतनी मतलब पहाड़ियाँ और उन पहाड़ियों पर पीक सी बनी हुई है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन का एंड होगा आज, ये कोई देवस्थल है, मेरे को नाम नहीं पता, और पीछे इतना सही व्यू है कि मैं इस कैमरा से पॉसिबल नहीं है भाई लोग ये दिखाना, वरना मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ऊपर है यहाँ पे शायद वहाँ पे मंदिर आपको भी दिख रहा होगा, मेरा कैमरा मैन जूम करके भी दिखा दे भाई, वहाँ पे ऊपर मंदिर है, वहाँ पे ऊपर जाएंगे, वहाँ से फिर एक दो शॉट लेके सीधे हम अपने स्कूल में जहाँ पे हम ठहरे हैं वहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको सीधे ऊपर जाके। सब गाइज वी आर दी ओनली फर्स्ट वन जो यहाँ पे सबसे पहले पहुँचे, मैं और धीरज, और अभी ये भाई भी आ चुके हैं, और भी बंदे आ रहे हैं। और ये देवस्थल है वो मतलब इतनी हाइट पर है, मैं आपको दिखाऊँगा, नीचे इतनी बड़ी खाई है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता सब आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ओ भाई नीचे मत जाओ यार, ये हमारे पीछे कोई देवस्थल जो भी है, ये तो बड़ी ज़्यादा चढ़ाई चढ़ के आए हैं। व्हाट्सअप गाइज अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं, दर्शन वगैरह करके आ चुके हैं और यहाँ पे लेटे हुए हैं, क्योंकि इतनी बुरी हालत हो गई है, कोई मतलब एनर्जी बची नहीं है, बट फिर भी हमने जाना है अब नीचे अपने स्कूल में, और यहाँ पर थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं मैंने सोचा। तो गाइज अब सीधे आपको मिलेंगे उधर जहाँ पे हमारा जहाँ पे हम ठहरे हैं, सो ठीक है फिर चलते हैं, क्योंकि अब वीडियो मतलब बोलने की भी हिम्मत नहीं रही है, इतनी बुरी हालत है। तो व्हाट्सअप गाइज हम अपने एक और देवस्थल पे आ चुके हैं, आज हमारा थर्ड डे है ट्रैकिंग का, आप देख सकते हैं ये मंदिर है, यहाँ पर अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए बाहर से ही शूट होगा, ये देख सकते हैं आप, बड़ा ही शानदार मंदिर है, मतलब सबसे सही जगह ये लगी है मुझे, ये हमारा दूसरा देवस्थल है जहाँ पे हम गए हैं, पर सबसे सही जगह यही है। अब मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, कितना शानदार मंदिर है, मतलब वो भी इस गांव में, सुंदर मणि के इलाके में ये गांव, देख सकते हैं आप, चारों साइड से दिखाऊँगा।
What's up guys, here's our last destination of today. आप शायद मेरे पीछे देख सकते हैं शायद, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा धूप है। हम आ चुके हैं आज अपनी आखिरी जगह पे आज, और कल हमारी वापसी है। और यहाँ पे भी अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर नहीं दिखा सकता। ये आर्मी एरिया है पूरा सुंदरबनी में, मल्ला टॉप पे आए हुए हैं हम इस वक्त। और बस अब यहाँ से जाने वाले हैं ऊपर बिल्कुल टॉप पे, और वहाँ पे तो फ़ोन बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। तो अब आपको सीधे मिलेंगे नीचे जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं, टाटा बाय बाय करते हुए। सो गाइस, ये देख सकते हैं आप, ये एरिया यहाँ पे भी कोई देवस्थल है, और ये एरिया पूरा आर्मी के अंदर है। पीछे मैं दिखाऊंगा अगर वहाँ पे कैमरा अलाउड होगा तो। और यहाँ पे देखो भाई मौसम कितना ज़्यादा सेक्सी है। सब गाइस, तो मैं आ चुका हूँ जहाँ पे हम गए थे मल्ला टॉप, तो वहाँ पे कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं था भाई लोग, वरना आपको दिखाते। वो बिल्कुल टॉप पे था, और वहाँ से सारे व्यूज़ दिख रहे थे, वहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर भी दिखता है। और आइएगा ज़रूर, बड़ी अच्छी जगह है ये, सुंदरबनी साली वाली साइड है ये मल्ला टॉप। और वहाँ पे एक तो वो हाइट पे तो था ही, मतलब सरफेस था पूरा, आर्मी के इलाके में था पूरा वो एरिया। और यहाँ पे कैमरा बहुत हिल रहा है क्योंकि मैं चल रहा हूँ अभी। और जहाँ पे हमने स्टे किया वो कोई देवस्थान है, वहाँ का हॉल है। तो अब सीधे वहाँ पे जा रहे हैं, मैं आगे आ चुका हूँ, बाकी बच्चे पीछे हैं। सो मिलते हैं आपको अब वहीं पे ही। और आप भी लगाई इस साइड चक्कर कहीं, बड़ी अच्छी जगह भाई लोग। सो मिलते हैं आपको अब वहीं पे। व्हाट्स अप गाइस, हियर इज आवर लास्ट डे, और अब हम जा रहे हैं जहाँ पे भी हम ठहरे हैं, नीली नाला। अब इस जगह का नाम भी होता लग चुका है हमें, और जा रहे हैं भाई लोग हम सारे। व्हाट्स अप गाइस, यहाँ पे हम पहुँच गए चौकी चौरा स्कूल, और मैंने सोचा था कि अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर दूँ, बट कई दोस्तों वगैरह ने बोला कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यहाँ से शुरू किया था वहीं पे ख़त्म करेंगे। तो बस अब नींद वगैरह बड़ी आ रही है, क्योंकि रात को हमें अच्छे से सोने नहीं हुआ था। और अब बाकी बच्चे आ रहे हैं, और अब हम पहले आ चुके हैं चौरा स्कूल में चुके हैं भाई। अभी हम यहाँ से रिटर्न होने लगे हैं, तो हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। व्हाट्स अप गाइस, हम आ चुके हैं भाई लोग सीधे चौकी चौरा स्कूल से कठाड़ में अपने घर पर। ये देख सकते हो मैं अभी छत पे चढ़ा हुआ हूँ। और ये भाई लोग, ये है नेक्स्ट डे, क्योंकि उस दिन बैटरी प्रॉब्लम थी, बैटरी लो थी बिल्कुल, तो मैं शूट नहीं कर पाया था। सो हमारा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। सो आपको अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, मीन्स की ब्लॉग, तो लाइक करो, और बाकी समझदार लगते हो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। सो लेट्स गो, मिलते हैं आपको अब सीधे अगले ब्लॉग में।